नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान ओमैन वर्सेस वेस्ट इंडीज ओमैन के बीच जो तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा, उसमें हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी। सेकंड ओडीआई मुकाबला, जैसे कि मैंने कहा था पाकिस्तान ओमैन जीतेंगे। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान ओमैन उस मैच को 99% जीत गई थी। लास्ट बॉल में था 3 रन, लास्ट ऑर्डर के बल्लेबाज खेल रही थी, वो भी दोनों गेंदबाज। कहते हैं ना, वहां पे उनके पास एक ही ऑप्शन था, एज लग के चौका चले जाना। सेम चीज हुआ, शना फातिमा गेंदबाजी कर रही थी, एज लगा, एनएलवी के साइड से चौका निकल गया था। लेकिन इस मैच में क्या हो सकता है, कौन सी टीम जीतेंगी, कौन सी टीम हारेंगी, वो भी मैं बता दूंगा आपको। और ध्यान रखिएगा, मुकाबला खेला जाएगा शाम के 4 बजे, और आज वाली पिच का बिहेव क्या होगा उसको लेके हम टेलीग्राम पे बात करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में। वहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा वहां हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेनी है। और मेरे दोस्त, अगर आप लोग में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात की देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर वेन्यू को लेकर बात करेंगे, फिर से रिपीट कर दूं, मुकाबला खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, जो कि स्पिन टू विन फार्मूला वाली विकेट होंगी। अब तो वैसा यूज्ड विकेट हो गई होंगी कंप्लीटली, तो आप ये मान के चलना स्पिनर्स जम के गेम में आने वाली है। स्कोर आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा 210 से 220 के बीच में। हाईएस्ट टोटल है यहाँ पे 289, लोएस्ट टोटल है 94 का। अगर हम बात करेंगे वेन्यू ओमेंस ओडीआई स्टैट्स को लेकर, टोटल मैच खेले गए 9, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 5, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 4 मुकाबला। ओमेंस ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करेंगे, बिलो स्कोर बने 3 टाइम्स, यहाँ पे 199 बने 3 टाइम्स, बिटवीन 200 to 249 बने हैं 2 टाइम्स, बिटवीन 250 to 299 बने हैं 4 टाइम्स, एबव 300 तो बने ही नहीं है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दीदार, अगर आपको किसी भी पिच का एक्चुअल बिहेवियर जानना हो, तो इस पिच पे जो रिसेंट मुकाबला खेला गया उसको थोड़ा सा बारीकी से आपको देखने की जरूरत है। जैसे ही आप उसके रिसेंट मैच को देखोगे, आपको ये मालूम चल जाएगा इस पिच पे आखिर रिसेंटली बिहेव कैसे किए गए, स्पिनर्स ज्यादा गेम में रहे या फिर पेसर्स रहे। तो यहां मैं आपको बता दूं, सबसे लास्ट मुकाबला 21 अप्रैल 2024 को हुआ था, जहां पे पाकिस्तान ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाई थी 223 10 विकेट नुकसान पे 48.5 ओवर में, जहां पे मिले थे फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 6 विकेट। जवाब में जब आई वेस्ट इंडीज ओमैन की टीम, 225 पे 8 विकेट गवाई थी। सेकेंड इनिंग पेसर 1 विकेट, स्पिनर 7 विकेट लेके गई थी। इसके बाद देखोगे तो 18 अप्रैल, इससे पहले 2024 को वेस्ट इंडीज ओमैन बोर्ड पर आती हैं और हेली मैथ्यूज खेल देती है अनएक्सपेक्टेड नॉक, लाजवाब इनिंग, और लगा देती है बोर्ड पे 269 8 विकेट नुकसान पे। पाकिस्तान ओमैन लगाती है 156 10 विकेट नुकसान पे 35.5 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 0 स्पिनर 6, सेकेंड इनिंग पेसर 2 विकेट, स्पिनर 7 विकेट। इससे पहले जाओगे 14 नवंबर 2021 को, पाकिस्तान ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 225 7 विकेट नुकसान पे। जवाब में वेस्ट इंडीज ओमैन लगाती है 226 4 विकेट नुकसान पे। ये काफी पहले का मुकाबला है, उस मैच में भी फर्स्ट इनिंग पेसर को मिला था 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 3 विकेट। लास्ट के 8 ओडीआई मैच में देखो, यहाँ पे स्पिनर को मिले 70 विकेट और पेसर्स को मिले मात्र 40 विकेट। हेड टू हेड बैटल को लेकर बात करेंगे, दोनों टीम आमने सामने आई हैं 7 बार ओडीआई में, जहां पे 5 दफा जीती हैं वेस्ट इंडीज ओमैन, 2 दफा जीती हैं पाकिस्तान ओमैन। पाकिस्तान ओमैन का लास्ट 5 ओडीआई मैच देखोगे, लॉस लॉस विन लॉस लॉस करके आ रही हैं। बात करेंगे वेस्ट इंडीज ओमैन का, विन विन लॉस नो रिजल्ट और लॉस लेके आ रही हैं। अब अगर हम बात करेंगे दोनों टीम लास्ट मैच में कैसे प्रदर्शन किए थे, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान ओमैन जीता हुआ मुकाबला हार गई थी, जहां पे पाकिस्तान ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाई थी 223 10 विकेट नुकसान पे। मुनीवाली 2, सिद्दर अमीन 50, बिस्मा मैरोफ लाजवाब 9 खेली थी 65 का, सदफ समस 9, निदादर 15, अलिया रियाज 6, फातिमा साना 11, एनएलवी 25, तुवा हसन 1 रन। गेंदबाजी में समीमा खनेल 4 ओवर 1 मैदान 13 रन 0 विकेट, सी हेनरी 8 ओवर 5 गेंद 1 मैदान 37 रन 3 विकेट, ए एलिन 3 में 11, हेली मैथ्यूज 10 ओवर 41 रन 1 विकेट, एफी फिलेचर 10 ओवर 40 रन 2 विकेट, के रामरक 10 ओवर 48 रन 3 विकेट, जयदा जेम्स 3 ओवर 18 रन 0 विकेट। जवाब में देखिएगा वेस्ट इंडीज हेली मैथ्यूज 44, रसादा विलियम 7, टेम्पबेल 52, एस्टेलर 73, सी नेसन 6, सी हेनरी 23, ए एलिन 2, एफी फिलेचर 2 और जयदा जेम्स 1 रन। गेंदबाजी में बात कर लेंगे तो फातिमा साना 10 ओवर 49 रन 1 विकेट, शादिया इकबाल
10 ओवर 36 रन की विकेट, निदादार 9 ओवर 52 रन 4 विकेट, यू ई हनी 10 ओवर 38 रन 2 विकेट, तुब्बा हसन 10 ओवर 38 रन 0 विकेट, बिस्मा मारूफ 1 ओवर 5 रन 0 विकेट। पाकिस्तान ओमन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है आपको दिख जाएंगे, मुनीवा अली, देन आफ्टर सिद्दीक अमीन, सदफ शमस, पहले आ जाएंगे बिस्मा मारूफ, फिर सदफ शनफ, उसके अलावा आलिया रियाज, निदादार आलिया रियाज कभी नीचे भी आ जाती है, फातिमा साना एन अलवी, तुबा हसन, यू हनी, सादिया इकबाल। गेंदबाजी में सादिया, हनी, तुब्बा और यहाँ से निदादार, उसके अलावा फातिमा साना, इन पांचों को 10-10 ओवर का स्पेल डालना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से किसी का दिन बुरा होता है तो मैं आपको बता दूं, एज ए सिक्स्थ बॉलर आलिया नहीं होंगी, एज ए सिक्स्थ बॉलर होंगी यहाँ पे बिस्मा मारूफ और सेवेंथ बॉलर होंगी आलिया रियाज, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को मदद मिलेगा तो बिस्मा मारूफ से आप ठीक ठाक ओवर का उम्मीद कर सकते हो। पता नहीं मुनीवा अली हेड टू हेड स्टैट्स भी लाजवाब, वेन्यू भी लाजवाब, उसके बावजूद बल्लिंग इनका खामोश है। हेड टू हेड 11 मैच में 320 रन 32 का एवरेज, वेन्यू पे 11 मैच में 305 रन 35 का एवरेज, रिसेंटली 2-22-5-0-44। सिद्दीक अमीन हेड टू हेड 11 मैच में 281 रन 26 का एवरेज, वेन्यू पे 11 मैच में 268 रन 25 का एवरेज, रिसेंटली 50-1-24-12-105। सदब समस हेड टू हेड वीरागर्क, वेन्यू वीरागर्क, रिसेंटली वीरागर्क 9-10-0-4-5। उसके अलावा बीसवा मारूफ लाजवाब प्लेयर, हमारी टीम की मिताली राज की तरह हेड टू हेड 18 मैच में 320 रन 8 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 146 रन 0 विकेट, रिसेंटली 65 रन 0 विकेट, 7-68-7-14 आलिया रियाज। हेड टू हेड 15 मैच में 203 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 412 रन 2 विकेट, रिसेंटली 6-16-44 7 रन 0 विकेट 14 रन 0 विकेट। निजादार हेड टू हेड 21 मैच में 328 रन 25 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 117 रन 15 विकेट, रिसेंटली 15 रन 4 विकेट, 19 रन 1 विकेट 0 विकेट, 25 रन 0 विकेट 14 रन 1 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगी फातिमा साना, हेड टू हेड स्टेट्स लाजवाब, 11 मैच में 64 रन 17 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 128 रन 8 विकेट, रिसेंटली 11 रन 1 विकेट 10 रन 0 विकेट 0 रन 1 विकेट 33 रन 1 विकेट। एनएलवी हेड टू हेड 2 मैच में 45 रन, जब मैं पिछले मैच में इनको बल्लेबाजी करते देख रहा था मुझे ये प्लेयर काफी टेक्निकल साउंडेड लगी, वेन्यू पे 6 मैच में 92, रिसेंटली 25-20-23-32-3। तुबा हसन हेड टू हेड 2 मैच में 26 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 26 रन 2 विकेट, रिसेंटली 1 रन 0 विकेट 25 रन 2 विकेट 9 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगी यू हनी हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। सादिया इकबाल हेड टू हेड 7 मैच में 7 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 9 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। स्टार्टिंग ऑर्डर को लेकर बात करेंगे, आपको दिख जाएंगे फातिमा साना, सादिया इकबाल और निदादर। बात करेंगे डेथ को लेकर, फातिमा साना, सादिया इकबाल, निदादर। अगर हम बात करेंगे बेंच पे, आपको दिखेंगी नटालिया परवेज, सिद्दीक नवाज, दियाना बैग एंड संधू अगर खेलती हैं तो आपके लिए मस्ट पिक होंगे। हेड टू हेड 13 मैच में 15 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। पता नहीं एंड संधू को सेकंड मैच में ये लोग क्यों ड्रॉप किए, ड्रॉप तो नहीं किया गया होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, उनको रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि इतनी बड़ी प्लेयर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज ओमन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। मैथ्यूज रसदा विलियम्स ध्यान रखिएगा, विकेट कीपिंग भी करेंगे, उसके अलावा एस कैंपबेल, स्टेफनी टेलर, सी नेसन, सी हेनरी, ए एलिन, एबी फ्लेचर, जेदा जेम्स, के रामरक, समीमा कनल। गेंदबाजी में फ्लेचर, उसके अलावा जो है यहाँ पे रामरक, फ्लेचर और हेली मैथ्यूज। 30 ओवर ये कन्फर्म है, यहाँ कभी घटना नहीं है। रेस्ट 20 ओवर, 4-6 ओवर समीमा कनल, 4-6 ओवर यहाँ पे जाएंगी सी हेनरी, उसके अलावा यहाँ पे 3-5 ओवर डाल सकती हैं जेदा जेम्स, अगर पिच में स्पिनर के लिए मदद रहा तो ये बढ़ भी सकता है। जरूरत पड़ने पे स्टेफनी टेलर भी 2-3 ओवर डाल सकती हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, हेले मैथ्यूज हेड टू हेड, इनसे बड़ा सितारा कोई हो नहीं सकता। 16 मैच में 544 रन 35 का एवरेज है, 23 विकेट है, वेन्यू पे 5 मैच में 75 का एवरेज है, 316 रन 11 विकेट, रिसेंटली 44 रन 1 विकेट, 140 रन 3 विकेट, 140 पे नवाद गई थी, 15 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट। रसदा विलियम्स हेड टू हेड 7 मैच में सिर्फ 62 रन, वेन्यू पे 5 मैच में 43, रिसेंटली 7-1-18-0-21। एस कैंपबेल हेड टू हेड 14 मैच में 215 रन 20 का एवरेज, वेन्यू पे 5 मैच में 144 रन, रिसेंटली 52-45-1-6-14। फिर आपको दिख जाएंगे स्टेफनी टेलर, लाजवाब टैलेंट और कह सकते हैं पुरानी चावल, हेड टू हेड 27 मैच में 1223 रन 23 विकेट हैं, लेकिन गेंदबाजी में अभी ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा। वेन्यू पे 5 मैच में 206 रन 1 विकेट, रिसेंटली 73 2 रन 0 विकेट,
4-0 विकेट 2-12-1 सी नेशन हेड टू हेड 13 मैच में 183 रन वेन्यू पे 2 मैच में 23 रन रिसेंटली 6-17 डू नॉट बैट 12 पे नवाज 0 सी हेनरी हेड टू हेड 11 मैच में 101 रन 10 विकेट वेन्यू पे 4 मैच में 46 रन 4 विकेट रिसेंटली 23 रन 3 विकेट 23 रन 1 विकेट 1 रन 0 विकेट 2 रन 4 रन 0 विकेट। उसके बाद हम बात कर लेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ए एलिन हेड टू हेड 4 मैच में 19 रन 2 विकेट फिर वेन्यू पे 3 मैच में 19 रन 2 विकेट रिसेंटली 2 रन 0 विकेट 17 4 रन 1 विकेट 28 पे नवाज 35 रन 0 विकेट। एफी फिलेचर हेड टू हेड 8 मैच में 10 विकेट वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट रिसेंटली 2 विकेट 0 विकेट डू नॉट बॉल 0 विकेट। जैदा जेम्स हेड टू हेड 2 मैच में 2 विकेट वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट रिसेंटली 0 विकेट 2 विकेट 12 4 रन 0 विकेट 2 विकेट। उसके अलावा किरण अमड़क हेड टू हेड 5 मैच में 6 विकेट वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट रिसेंटली 3 विकेट 0 विकेट 9 रन 0 विकेट 3 रन 0 रन 1 विकेट। समीमा कनल हेड टू हेड 16 मैच में 16 विकेट वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेट रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट डू नॉट बॉल 0 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेके। स्टार्टिंग ओवर्स आपको दिखेंगे समीमा कनल सी हेनरी देन आफ्टर फर्स्ट चेंज आएंगे एफी फिलेचर डेथ में दिखेंगे हेले मैथ्यूज समीमा कनल एफी फिलेचर सी हेनरी और कभी कभी के रामड़क भी आ जाती है। अगर हम बात करेंगे इनके बेंच पे तो ये लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं स्पेशली ध्यान दीजिएगा क्यू जोसेफ के ऊपर अगर वो खेलती हैं तो आपके लिए तुरुप की का हो सकती है स्पेशली इस पिच के लिए। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर ध्यान रखिएगा अभी जो हम बात करेंगे वो मैच हमारी डेमो टीम होंगी फाइनल टीम में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा जिसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। फिलहाल मेरी फैंटेसी की टीम आपके सामने है मैंने विकेट के पीछे रसादा विलियम्स को लिया बैटिंग से स्टाफनी टेलर ऑलराउंडर से हेले मैथ्यूज निदादर सी हेनरी फातिमा साना बॉलिंग से एफी फिलेचर के रामरक तुबा हसन साध्या इकबाल और यू हनी को मैंने अपनी टीम में जगह दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच को पाकिस्तान वुमेन जीत जाएंगी मुझे ऐसा गट सा रहा है तो मैं बदलाव इस मैच में क्या सब कर सकता हूँ फाइनल में मैं आर विलियम्स की जगह पे अपनी टीम में ले सकता हूँ किसको सामने वाली टीम में आपको दिख जाएंगी मुनिवाली एज एन ओपनर मुझे लग रहा है इस मैच में 50 लगा सकती है। फिर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ स्टेफनी टेलर के इनके जगह मैं ले सकता हूँ सिद्रा अमीन को और यहाँ पे सी हेनरी के जगह मैं सीधा बदलाव कर सकता हूँ अपनी टीम में 20वां मारूफ को। उसके अलावा मैं शायद कुछ बदलाव ना करूँ कैप्टन वीसी हमेशा की तरह से मैथ्यूज कैप्टन होंगी वीसी हमारी निदादार होंगी रिस्क टेकर चाहो तो कैप्टन वीसी अपोजिट भी करके चल सकते हो लेकिन फिलहाल मैं बता दूं ये हमारी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है जिसको आप मिनी जीएल जीएल में भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाले मैच में भाई साहब आईपीएल का जो था वहां पे हम लोगों ने मिनी जीएल जीएल फतह कर ली तो कॉन्फिडेंस मिनी जीएल जीएल को लेकर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इस मैच में भी अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हो तो शायद आप अच्छा रैंक मिनी जीएल में लेके आ जाओगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए बाय इंजॉय कीजिए अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से ओमेन मैच में स्पेशली मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।